कल हमने ये जाना था कि भाई वेल्डिंग के अतिरिक्त ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम दो धातुओं को जोड़ सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऐसे बंधन हैं जिनका इस्तेमाल करके हम दो पार्टों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने अस्थाई बंधन, स्थाई बंधन और अर्धस्थाई बंधनों के बारे में जाना था, ठीक है। ये जाना था कि किसमें जोड़ खराब हो जाती है, किसमें बंधन खराब होता है और किसमें दोनों ही जोड़ और बंधन दोनों खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो तो हमारा टॉपिक है वो है भाई टाइप ऑफ वेल्डिंग ज्वाइंट्स, ठीक है, यानी कि वेल्डिंग जोड़ों के प्रकार। तो वेल्डिंग व्यवसाय के अंतर्गत पांच जोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वेल्डिंग कैसी भी करनी हो, हमारा तात्पर्य होता है कि जोड़ पांच प्रकार के होते हैं, वो कैसे लगाए जाते हैं वो चीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा बट जोड़। बट जोड़ क्या होता है, एक प्रकार का शक्तिशाली जोड़ होता है, ठीक है, यानी कि दो प्लेटों को आमने सामने रखकर जो जोड़ हम लगाते हैं उसको हम बट जोड़ कहते हैं। इनके बीच में 2 mm का रूट गैप रखना चाहिए, 2 mm से 3 mm तक जोड़ की मोटाई के अनुसार रूट गैप रखा जाता है ताकि पिलर मेटल जोड़ की जड़ तक चला जाए और जोड़ मजबूत बन जाए, ठीक है। 3 mm तक की प्लेटों के लिए क्या होता है, एक ही तरफ वेल्ड करना जरूरी होता है, जबकि अगर 3 mm से ज्यादा की प्लेटें हैं तो अधिक मजबूती के लिए हमें दोनों तरफ से वेल्डिंग कार्य करना चाहिए ताकि जोड़ पूरी तरीके से मजबूत हो सके, ठीक है। तो इस चीज के बारे में समझ में आ गया हमें, सबसे शक्तिशाली जोड़ होता है ये। क्या होता है कि 8 या 10 mm तक हमें बगैर किनारों के त्यारे की भी वेल्डिंग कर लेते हैं कई बार, ठीक है, और 10 mm तक, जैसे ज्यादा 6 से 10 mm तक हम क्या करते हैं, सिंगल वी बट जोड़ के लिए किनारे तैयार करते हैं, यानी सिंगल वी बनाते हैं, यहाँ वी आकार के किनारे तैयार करने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि जोड़ की जड़ तक मेटल चला जाए, ठीक है। उसके बाद अगर और भी किनारे तैयार किए जाते हैं जे यू आकार में, ठीक है, वो अधिक मोटाई में तैयार किए जाते हैं। अभी नॉर्मलिटी में हम देखेंगे धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कौन सा जोड़ बनाते हैं, बट जोड़ बनाते हैं, ठीक है। अधिक शक्तिशाली जोड़ होता है, बार सहन करने में सक्षम होता है, ठीक है, बिल्कुल पहले जैसी बेस मेटल जैसी मजबूती इसके अंदर आ जाती है जोड़ लगने के बाद, ठीक है। उसके बाद है लेफ्ट जोड़। लेफ्ट जोड़ से हमारा तात्पर्य है कि एक ऐसा जोड़ जिसमें दो प्लेटों को ओवरलैप करके जो जोड़ लगाया जाता है, ये जो जोड़ बनाते हैं हम इस प्रकार से, ठीक है, जो इस प्रकार से जोड़ बनाया जाता है, ये यहां पर जो वेल्डिंग की जाती है और यहां वेल्डिंग की जाती है किनारों पे, ठीक है, यानी कि एक प्लेट को दूसरी के ओवरलैप रखेंगे हम आप पार्ट में और फिर वेल्डिंग की जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, हमें लेफ्ट जोड़ बोलेंगे। तो लेफ्ट जोड़ जो होता है, यहाँ इसमें जंग लगने का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है, अधिक किनारे तैयार करने की जरूरत इसमें नहीं होती क्योंकि ओवरलैप करना होता है, पर इसमें वेल्डिंग वाली जगह पर जंग लगने का खतरा होता है और ये अधिक भार सहने में सक्षम जोड़ नहीं होता है, इनको आसानी के साथ तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो लेफ्ट जोड़ के बारे में पता लग गया हमें। उसके बाद है टी जोड़। टी जोड़ एक ऐसा जोड़ होता है जो टी के आकार में जोड़ बनता है, ठीक है, ये एक प्लेट है, एक प्लेट ये खड़ी अवस्था में रहेगी इसके साथ, ठीक है, इस प्रकार का जो जोड़ रहेगा, यानी कि वेल्डिंग जो आएगी हमारी वो इस एरिया को कवर करेगी, एक फिर इधर से करेगी, ठीक है। टी जोड़ भी वैसे मजबूत जोड़ होता है, 10 एमएम तक किनारे तैयार करने की जरूरत नहीं होती, परंतु अगर 10 एमएम से अधिक मोटाई की जोब हो तो इसको हल्का चैम्फर कर लेना चाहिए, चैम्फरिंग कर लेनी चाहिए ऊपर वाली प्लेट की, ताकि अच्छी प्रकार से बीड निक्षेपित तो हो सके और अच्छी प्रकार से पिलर मेटल इसके अंदर समा सके, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से हमें टी जोड़ तैयार कर सकते हैं। टी जोड़ भी मजबूत जोड़ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है वही कॉर्नर जोड़। कॉर्नर जोड़ से हमारा आशय है जो कोने के जोड़ लगाए जाते हैं, यानी कि प्लेटों को इस प्रकार ये कोने मिल गए, ठीक है, इसके अंदर जो वेल्डिंग की जाएगी 90 डिग्री के अंदर ये जोड़ लगाए जाते हैं, ठीक है, वो कॉर्नर जोड़ 90 डिग्री पे लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोनों को मिला लेते हैं और फिर वेल्ड करते हैं तो उसको हम कोने का जोड़ बोलते हैं। ये जोड़ भी मजबूत जोड़ होते हैं, ठीक है, इनके अंदर भी थोड़ा रूट गैप रख लेना था, ये 1.6 mm से 2 mm तक रख सकते हैं मोटी प्लेटों में, ताकि जो पिलर मेटल है वो जोड़ की जड़ तक चला जाए,
ठीक है। तो इस प्रकार हम कॉर्नर जोड़ का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आता है एज जोड़। एज जोड़ से हमारा तात्पर्य है ये ऐसा जोड़ जो दो प्लेटों के किनारों पर लगाया जाता है, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं हमारी, तो इसमें क्या करते हैं हमें, ये बन गया जोड़, यहां लगाया जाएगा, ये यहां वेल्डिंग आ जाएगी, ठीक है। यानी कि जो दो प्लेटों को ऐसे मिलाया और उनके चारों तरफ वेल्डिंग कर दी, इसमें किसी प्रकार के किनारे तैयार करने की जरूरत नहीं होती, बेहद कमजोर जोड़ होता है और 5 mm से अधिक मोटाई की प्लेटों पर नहीं लगाना है हमें ये, ठीक है। केवल 5 mm तक की प्लेटों पे लगा सकते हैं, 5 mm से अगर मोटाई की प्लेटें हैं तो इस जोड़ को हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये जोड़ कमजोर जोड़ होता है और बाहर सहने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता है। अब दोबारा से एक बार और बताता हूं मैं इसको। जैसे बट जोड़ है, बट का अर्थ है जब दो प्लेटों को ऐसे आमने सामने रखकर जो जोड़ लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, हमें बट जोड़ कहते हैं। लेफ्ट जोड़ का मतलब है यानी कि ओवरलैप करके, ऐसे दो प्लेटों को ऐसे ओवरलैप करके जो जोड़ लगाया जाता है उसको हम लेफ्ट जोड़ कहते हैं। वो टी जोड़ यानी कि एक प्लेट को दूसरी प्लेट के मध्य ऐसे खड़ा करके जो जोड़ लगाते हैं उसको टी जोड़ कहते हैं। कॉर्नर जोड़ कोने मिलाकर जो जोड़ लगाया जाता है उसको हम कॉर्नर जोड़ कहते हैं। और एज जोड़ से मतलब है दोनों प्लेटों को आमने सामने मिलाकर जब चारों तरफ से वेल्ड किया जाता है तो उसको हमें कॉर्नर जोड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जोड़ होते हैं, जो 5 प्रकार के जोड़ होते हैं वेल्डिंग में। वेल्डिंग चाहे कोई भी की जाए, आर्क की जाए, गैस की जाए, टिक की जाए, फिट की जाए, जोड़ 5 ही प्रकार के लगने हैं हमारे, ठीक है। तो इन जोड़ों के बारे में हमें पता होना था। ये किनारों की तैयारी हमारा अगला चैप्टर रहेगा, तो उसमें इनके किनारे कैसे तैयार करने हैं वो चीज सिखाई जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें वेल्डिंग में जोड़ों को बनाना सीख सकते हैं। और एक वेल्डर को अच्छे जोड़ बनाने के लिए पता होना चाहिए कि किनारे भी कैसे तैयार करने हैं, ठीक है। गैप, रूट गैप कितना रखना है, रूट फेस कितना रखना है,